सबसे पहले तो हमको चाहिए, ये देखिए बैठ जाते हैं हम, उसके बाद ये चाहिए एक बोरा, ये देखिए बोरा, बोरे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे चार पर। फिर उसके लिए चाहिए ये ईमन जस्ता, ये देखिए ये ईमन जस्ता चाहिए, और उसके लिए ये चाहिए खूनने के लिए, ये चाहिए एक चलनी ले लीजिएगा, और एक कप ले लीजिए, एक जग और एक बकेट पानी ले लीजिए। अब इसको पहले हम तिल को टक में डालते हैं, इस तरह। एक किलो तिल है, इसको हम कल रात को ही भिगो दिए थे, इसको कल रात को ही भिगो, पूरी रात ये भीगा हुआ था। ये अब हम इसको छानेंगे, निकालते हैं, ये देखिए हम छान लेते हैं सारा पानी। ये गंदा पानी देखिए सारा निकल गया। डाल दिए हैं, दो बार डाले हैं, उसके बाद इसको खूब भूनेंगे ऐसे ऐसे कम से कम 15-20। ये देखिए सारे छिलके निकल जाएंगे, देखिए सारे छिलके निकल जाएंगे। इसको थोड़े से पानी में मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा एक दो पानी में धोइए तो सब्जी साफ हो गया, ये मत सोचिएगा कि थोड़े से पानी में दो बार तीन बार धो दिए तो इसको कम से कम तीन बार, क्या इसको कम से कम छह बार आप पानी से इस तरह करते होंगे, थोड़े थोड़े पानी में ले करके फिर इसको ऐसे रगड़िए, देखिए फिर इसको ऐसे से रगड़िए, ये देखिए रगड़ रहे हैं। फिर हम इसको थोड़े से फिर इसको पानी से धोएंगे, फिर साफ नहीं हुआ। आप इसको परिया लीजिएगा, परियाना हम आपको बताए नहीं, देखिए भूल गए आप इसको कैसे शुरुआत में तिल को परियाया जाता है, ऐसे 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 ले करके बस इसको 6-7 बार धुल लीजिए, बहुत बार धुल लीजिए इसको, नहीं कर पाएंगे। फिर धो लीजिए, जब ये सूख जाएगा इसको धूप में फैला दीजिए, ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद वो जो सूप होता है सूप से इसको खूब अच्छे से पछोर लीजिएगा, इसका सारा गूदा जो है, ये देखिए जो वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये सारा छिलका काला काला सा जो दिख रहा है ये निकल जाएगा सूखने के बाद, और ये जो सब जो तिल है वाइट वाइट सा दिख रहा है ये, आप इस तरह धोएंगे तो आपका कभी भी तिल करछाएगा नहीं और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गुड़ कैसे पकाया जाता है इसको भी आप सीखिए, आप जान ही गई हैं। अब इसको क्या करना है, इसको धुल दिए हैं फिर एक बार, इसी तरह हम फिर इसको दोबारा इसी तरह। फ्रेंड्स अगर मेरा ये टिप आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों को भी बताइए कि काला तिल इसमें धोएं तो वो कभी करछाएगा नहीं। बाय बाय फ्रेंड्स।